नमस्कार, सिल्क टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरुचि गौर। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पहुंचे शहीद के गांव, पुष्प अर्पित कर किया नमन। शहीद रतन के पिता ने डिग्री कॉलेज स्थापित करने की रखी मांग। भागलपुर के जीरो माइल में तसर रेशम मेला का हुआ आयोजन। नगर आयुक्त ने कहा स्मार्ट सिटी फंड से जल्द बनेगा सिल्क हाट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति हुई तेज। भागलपुर में राजद ने किया जिला स्तरीय अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन। भागलपुर में चैंबर चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति, दो गुटों में बटे व्यवसायी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और नगच्छा बरौनी रेलखंड पर RPF ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गुरुवार को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए भागलपुर के रतनपुर गांव निवासी शहीद रतन ठाकुर के घर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने रतन की शहादत को नमन करते हुए उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की। इससे पूर्व CM नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के साथ हेलीकॉप्टर से एकचारी हाईस्कूल मैदान में उतरे, जहां से कड़ी सुरक्षा के बीच अधिकारियों के साथ शहीद के गांव पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री को देखने लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शहीद के पिता निरंजन ठाकुर, पत्नी राजनंदनी और पुत्र से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिया। शहीद रतन के पिता ने मुख्यमंत्री से अपने बेटे के नाम से एक डिग्री कॉलेज गांव में स्थापित करने की मांग की, साथ ही अपने छोटे बेटे के लिए सरकारी नौकरी देने की बात कही। इस दौरान रतनपुर गांव में जदयू के वरिष्ठ नेता अबू कैसर, प्रदेश महासचिव ब्रजकिशोर सिंह, समीम रिजवी सहित काफी संख्या में जदयू नेताओं ने शहीद को नमन किया। इस अवसर पर IG विनोद कुमार, DIG विकास वैभव, कमिश्नर वंदना किन्नी, DM प्रणब कुमार, SSP आशीष भारती सहित जिले के वरीय पदाधिकारी एवं विधायक मौजूद थे। हम बोले कि आप हमारे घर के मालिक हैं, आप पर हमको गर्व है और आप हमारी दुख सुख को समझते हैं। इस दुख की बेला में हमारे इस झोपड़ी नुमा घर में आप पधारे, हमको बहुत खुशी की बात हुई और उनसे हम मांग जो भी किए हैं अपने परिवार बच्चा के लिए, हमने बोले इस बाबू के लिए बोले हैं, बेटी के लिए बोले हैं, बेटा के लिए बोले हैं और बहू के लिए बोले हैं और इस पूरे ग्राम पंचायत में एक डिग्री कॉलेज का श्रीमान से आग्रह किए हैं कि श्रीमान एक हमारे बेटे के नाम से, शहीद रतन कुमार ठाकुर के नाम से, अगर आप हमारे पंचायत में किसी जगह अगर एक कॉलेज दे देते हैं तो हमारे आगे में जितने नौजवान हमारे बच्चे और हमारे बेटी तुल बहन तुल हैं उसका शिक्षा ग्रहण सही तरीके से हो सकेगा। भागलपुर अंडी फार्म जीरो माइल में रेशम तकनीकी सेवा केंद्र केंद्रीय रेशम बोर्ड की ओर से गुरुवार को तसर रेशम मेला का आयोजन किया गया। मेला में रेशम तकनीकी सेवा केंद्र के वैज्ञानिक सी एवं प्रभारी NS गहलोत एवं वैज्ञानिक बी त्रिपुरारी चौधरी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान विशिष्ट अतिथि भागलपुर नगर निगम के नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा ने रेशम बोर्ड के अधिकारियों, बुनकरों, प्रतिनिधियों एवं लाभुकों को संबोधित किया। नगर आयुक्त ने कहा कि स्मार्ट सिटी फंड से सिल्क के व्यवसाय को बढ़ावा देने के साथ भागलपुर सिल्क सिटी की पहचान को कायम रखने के लिए कार्य किया जाएगा। उन्होंने पूरे परिसर का रेशम विभाग के अधिकारियों के साथ भ्रमण किया, जिसमें अधिकारियों ने कई खाली पड़े जमीन का उपयोग सिल्क के विकास में करने की बात कही। जबकि नगर आयुक्त श्याम बिहारी मीणा ने दिल्ली हाट के तर्ज पर बुनकरों एवं सिल्क व्यवसायियों को बाजार उपलब्ध कराने के लिए सिल्क हेरिटेज विलेज बनाने की बात कही, जिससे एक ओर जहां बुनकरों की आय बढ़ेगी वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। तसर रेशम मेला में कोकुन, मलबरी, तसर के धागे, अंडी एवं बुनियादी रीलिंग मशीन को सजाया गया और कम समय में अधिक उत्पादन एवं आय होने की बात अधिकारियों ने कही। इस अवसर पर रेशम विभाग के सहायक उद्योग निदेशक चंदन कुमार घोष, बुनकर सेवा केंद्र प्रभारी हीरालाल, जोनल अधिकारी सौरभ मजुमदार, जिला उद्योग केंद्र के GM रमनजी प्रसाद समेत कई अधिकारी, वैज्ञानिक, बुनकर, प्रतिनिधि, उद्यमी एवं लाभुक मौजूद थे। भागलपुर की पहचान है सिल्क,
और हमने स्मार्ट सिटी के तहत में 250 करोड़ रुपये का एक फंड ईयरमार्क किया है जिसमें हम लोग हेरिटेज विलेज सिल्क वीवर्स के लिए बना रहे हैं। तो यहाँ के अधिकारियों से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि सर यहाँ पर ज़मीन उपलब्ध है, यहाँ पर बनाया जा सकता है। तो हमने देखा कि ये ट्रैफिक एक जंक्शन भी है और ज़मीन भी काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है, तो हम एक प्रपोजल बनाकर किस प्रकार का हाट दिखेगा उसका एक वॉक थ्रू, एक 3D मॉडल बनाकर और उसका डिज़ाइन इनके अधिकारियों से बैठकर बात करके एक डिज़ाइन फाइनल करके जो उद्योग विभाग के प्रधान सचिव है उन सर को एक बार प्रेजेंटेशन देंगे और उसके बाद में अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अभी के लिए यही है कि हम लोगों में एक ब्रॉडर कंसेंसस बनी है कि हम लोग यहाँ पर उसका सिल्क हाट का निर्माण कर सकते हैं और चूँकि ज़मीन उद्योग विभाग की तो उद्योग विभाग से सब परमिशन लेने के बाद में स्मार्ट सिटी में कार्य करना शुरू कर देंगे। इस मेला का उद्देश्य जो है बुनकर और जो सूत कतिन और इससे रेशम उद्योग से जुड़े लोगों को एक मिलने का और एक आपस में बुनियाद के द्वारा जो धागा उत्पादन कर रहे हैं उसको अच्छे से उपयोग में लाभान्वित हो, उनकी जानकारी हो। अभी तक तो ये है कि जो केंद्रीय रेशम बोर्ड ने सभी को मशीन जो दिया है मुफ्त में दिया है अनुदान पर लगभग 9,700 की, वो राज्य सरकार का 25% उसमें अनुदान और भारत सरकार का 75% है, तो वो मुफ्त में 661 मशीन हमने दिया है। उन पर प्रशिक्षण भी हम लोगों ने 490 में दे दिया है, तो अब धागे का उत्पादन होने लगा है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ के जो बुनकर और व्यापारी और महिलाओं के बीच एक बाज़ार और धागे की गुणवत्ता और मशीन का जो जीवंत प्रदर्शन किया है, लाइव डेमोंस्ट्रेशन, उसको दिखाने के लिए ये मेला का आयोजन किया है। भागलपुर मुस्लिम हाई स्कूल सभागार में गुरुवार को जिला स्तरीय राज्य अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन हुआ। सम्मेलन की अध्यक्षता राजद महानगर अध्यक्ष डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने की। अल्पसंख्यक सम्मेलन में मोहम्मद कलामुद्दीन ने कहा कि मोदी सरकार अकलियत तबके को ठगने का काम कर रही है, जबकि राजद हमेशा अल्पसंख्यकों के हित में बात करती है। वहीं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के संगठन प्रभारी जाहिद अंसारी ने सम्मेलन के माध्यम से आगामी लोकसभा चुनाव की रणनीति पर अपने विचार प्रकट किए। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इस्लाम ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों से अल्पसंख्यकों को नुकसान हो रहा है और आगामी चुनाव में अकलियत तबका प्रधानमंत्री मोदी के झांसे में नहीं आएगा। वहीं राजद के डॉक्टर सलाउद्दीन ने सम्मेलन में आए लोगों का आभार प्रकट किया और एकजुट रहने की बात कही। कार्यक्रम में डॉक्टर उर्मिला ठाकुर, मोहम्मद इस्लाम समेत कई लोग मौजूद थे। भागलपुर जिला अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का जो जिला सम्मेलन है, इसका उद्देश्य है कि भागलपुर से जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, वर्तमान सांसद जो हैं शैलेश कुमार और बोलो मंडल जी, उनको अपार बहुमत से विजयी बना। लालू जी के लिए तो जुनून सवार है अकलियत पर, इसको क्या रिझाना है, ये तो दूसरे को रिझाता है ये राजद के लिए, क्योंकि मनुवाद से देश को बचाना है, मनुवाद को उखाड़ करके फेंकना है, इसलिए मिलजुल करके अकलियत राजद के साथ है, लालू जी के साथ है। हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हर एक प्रकोष्ठ का जो हमारे वर्कर हैं, उनको ये बताना है कि केंद्र सरकार जो नरेंद्र मोदी जी जो जुमलेबाजी करके केंद्र में बैठे हैं और आज के डेट में जो संविधान पे खतरा है, आरक्षण पे खतरा है, जो यहाँ के अल्पसंख्यकों पे खतरा है, उसके लिए हमने अपने कार्यकर्ता को पूरी मुस्तैदी के साथ कमर कस करके मैदान में हमारे कार्यकर्ता को उतरने की ज़रूरत है। इसके लिए हम लोग स्टेट से प्रभारी नियुक्त हुए हैं और इसके लिए हम यहाँ पर भागलपुर में आकर के मीटिंग कर रहे हैं। ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज भागलपुर का चुनाव शुक्रवार को होगा। चुनाव को लेकर सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। कार्यकारिणी सदस्यों के चुनाव को लेकर दो गुटों में बढ़ चुके सदस्यों के द्वारा अपनी जीत के साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसको लेकर गुरुवार को निवर्तमान महासचिव अशोक भिवानीवाला एवं उनके समर्थकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निवर्तमान अध्यक्ष शैलेंद्र सर्राफ एवं उनके समर्थकों पर जमकर बरसे। अशोक भिवानीवाला ने कहा कि चुनाव घोषित होने के बाद नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया, लेकिन 31 मार्च 2019 तक वे कार्यकारी महासचिव हैं, इसलिए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कागजातों में छेड़छाड़ का जो आरोप उन पर लगा है वह पूरी तरह से निराधार है। साथ ही उन्होंने अपने साथ पर्याप्त सदस्यों का समर्थन प्राप्त होने की बात करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में चैम्बर में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में श्रवण बाजोरिया, रोहित झुनझुनवाला समेत चैम्बर के प्रत्याशी एवं सदस्य मौजूद थे। चैम्बर ईस्टर्न बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स भागलपुर का वर्तमान सत्र का महासचिव पद पर कार्यरत हूं और 31 मार्च 2019 तक मैं कार्यरत रहूंगा। ऐसी परिस्थिति में जब चुनाव घोषित हुआ है तो चुनाव घोषित होने के बाद भी मैं कार्यकारी महासचिव हूं और मैं अपनी जिम्मेवारी से भी मुक्त नहीं हुआ हूं। मेरी जिम्मेवारियाँ चालू है। मेरे जो सदस्य जो भी बात कहते हैं वो मेरे से कहते हैं, चुनाव समिति से नहीं कहते हैं।
चुनाव समिति से वही लोग रिलेटेड हैं जो प्रत्याशी बने हैं। आज अभी आपके सामने हम लोग 21 प्रत्याशी यहाँ उपस्थित हैं, 43 प्रत्याशी खड़े हुए हैं। ये एक अलग बात है कि कुछ लोग अपना एक ग्रुप बना लिए हैं, अपना अपना समर्थक खड़ा किए हैं। मैंने भी अपने 20 समर्थक और खड़े किए हैं। हमारे जो पूर्व अभी निवर्तमान अध्यक्ष हैं, वो संजोग से कहिए या दुर्भाग्य से कहिए, वो विपरीत विपक्ष पक्ष के साथ अपना समर्थन दे रहे हैं, और उनको उनके साथ मैंने 3 वर्ष लगातार काम किया। आज वो अचानक मेरे ऊपर अपने नए नए तरह के आरोप लगा रहे हैं जो झूठे और निराधार हैं। उन्होंने आर्थिक आरोप भी लगाया जो बिल्कुल निराधार है, नहीं लगाना चाहिए। ये उनका ओछापन है कि हम अपने साथ जो आदमी 3 वर्ष काम किया, मेरे साथ चैम्बर को इतनी ऊंचाई तक ले गया, उसके ऊपर आज चूंकि मैं विपक्ष में हूँ तो आर्थिक आरोप लगा दिया मेरे ऊपर, जो बिल्कुल निराधार है, जिनके प्रमाण है। एक चिट्ठी पर प्रमाण दे रहे कि मेरे से धोखा में साइन करा लिया। चिट्ठी पर जब वो आवास पर साइन करते हैं, मेरे द्वारा जो भी पत्र साइन होते हैं वो चैम्बर कार्यालय से होते हैं। मैं निजी आवास से कोई भी पत्र पर साइन नहीं करता हूँ। मैं कार्यालय में समय देता हूँ, 12 बजे से 4 बजे, 5 बजे, 7-7, 8-8 बजे तक काम किया। कटिहार बरौनी रेलखंड के बीच कटरिया स्टेशन पर बुधवार की रात आरपीएफ ने रंगरा निवासी सुशील सिंह को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए अपराधी के पास से एक देसी कट्टा, 8 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। नगरसिया जीआरपी थाना अध्यक्ष शत्रुघ्न प्रसाद ने बताया कि सुशील सिंह स्टेशन पर किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था, लेकिन संदिग्ध अवस्था में देख आरपीएफ के जवानों ने उसे अपनी हिरासत में ले लिया, जहां तलाशी के दौरान उसके पास से हथियार बरामद किया गया है। एवं अजय कुमार झा के द्वारा सुशील कुमार सिंह उम्र करीब 30 वर्ष, पिता 36 प्रसाद सिंह उर्फ 36 सिंह, साकिन सदवत, थाना रंगरा, जिला भागलपुर को एक देसी कट्टा एवं 8 चक्री गोली के साथ पकड़कर थाना पर लाए एवं सौरभ कुमार द्वारा एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसके आधार पर कांड दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है एवं गिरफ्तार अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा है। ये सर कब की घटना है? ये रात लगभग 9 बजे की घटना है। भागलपुर नगर विधायक अजीत शर्मा ने गुरुवार को अपना जन्मदिन अनाथ बच्चों के बीच मनाया। विधायक अपनी पत्नी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ नाथनगर स्थित रामानंदी देवी हिंदू अनाथालय पहुंचे, जहां उन्होंने खुद सभी बच्चों को भोजन कराया। इस मौके पर विधायक ने कहा कि अनाथ बच्चों के साथ समय व्यतीत करने से खुशियां मिलती है, साथ ही उन्होंने आम लोगों से ऐसे बच्चों की मदद के लिए आगे आने की अपील की है। मैं तो बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं और ऊपर भगवान को प्रणाम भी करता हूं कि आपने इस भागलपुर की धरती पर मुझे पैदा किया और सेवा करने का मौका दिया। आज चूंकि मेरा जन्मदिन है, सबसे पहले मैं बूढ़ानाथ मंदिर पूजा करने गया, रुद्राभिषेक किया, उसके बाद आज एक बुनकरों के लिए रेशम उद्योग के तरफ से एक तकनीकी रीलिंग मशीन का मेला लगा था, जो मैं वहाँ गया, उद्घाटन किया और वहाँ लोगों को बताया। उसके बाद मैं अनाथालय यहाँ आया हूँ जहाँ बच्चों को खाना खिला। तो आप देख रहे हैं मेरी पत्नी भी साथ में है और उनको जिस तरह से खिला रही थी, मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। खास करके मैं तो सबसे आग्रह करूँगा, कम से कम गरीब बच्चों को, अनाथ बच्चों को निश्चित तौर पर जब भी मौका मिले आप उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहें। भागलपुर पटल बाबू रोड स्थित डॉक्टर डीपी सिंह के क्लिनिक में इलाज के दौरान एक वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। इसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए और क्लिनिक में हंगामा करना शुरू कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने डॉक्टर पर जानबूझकर मार डालने का आरोप लगाया। हंगामे के कारण सड़कों पर राहगीरों की भीड़ जुट गई। हंगामा की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंची और हंगामा कर रहे परिजनों को समझा बुझाकर शांत कराया। मधेपुरा आलमनगर निवासी विशुनदेव शाह को सीने में दर्द होने पर परिजनों ने बुधवार को डॉक्टर डीपी सिंह के क्लिनिक में भर्ती कराया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं डॉक्टर डीपी सिंह ने कहा कि सीने में कफ जमने और ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति की मौत हुई है, इलाज में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की गई है। ये पेशेंट आया कि सीरियस है तो देख लिया हमने, तो देखने के बाद जो है उसको कहा हॉस्पिटलाइज हो जाओ और दवा लो। तो यहाँ से मरीज जो चूँकि सीरियस भी था और उसके पहले उन्होंने एसडी गुप्ता से दिखाया था, 11 बजे ही वहाँ करके नंबर लगाए और नंबर लगाने के बाद वो जो है मरीज नहीं लाया है। और शायद डॉक्टर एसडी गुप्ता के यहाँ दिखाने उन्होंने शायद सिटी स्कैनिंग लिखा, सिटी स्कैनिंग भी करवा लिया और इसके बाद हमारे पास जब आया बहुत ही सीरियस स्थिति में था,
हमने लिखा कि जो है भर्ती हो जाओ, ऑक्सीजन लगाओ, चूंकि उसका जो है उसमें भी हमने देख लिया है कि उसका ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन मात्र 60%। तो ऑक्सीजन के लिए एडवाइस किया, तो वो ऊपर गया, ऊपर जाते जाते जाकर वो क्रैश कर गया। मरीज जो बेड पर गया, बाहर वाले बरंडा वाले हमारा जो इमरजेंसी वाला बेड है बाहर में, तो वहीं पर कोलैप्स कर गया। बुलाने आया कि सर सांस रुक गई। तो फिर ऑक्सीजन वहाँ लगाए, CPR किए, 20 मिनट तक हमने CPR किया अपने से। उसको जो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दिया गया, जो भी हम लोग दे सकते हैं, जो भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है सारा चीज़ दिया। इसके बाद कहता है कि मर गया सर, हम तो फिर पीपल डायलेटेड हो गए। कहा कि हाँ सर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या पर भागलपुर सराय स्थित मिडिल स्कूल में एक परिचर्चा आयोजित की गई। परिचर्चा में महिला शिक्षा, स्वास्थ्य और कानूनी सलाह पर विमर्श किया गया। परिचर्चा में आसानंदपुर इंटर लेवल गर्ल्स हाई स्कूल की प्राचार्य सबीहा फैज ने कहा कि आज महिलाएं अपने अधिकार के प्रति जागरूक हो चुकी हैं। वहीं मुख्य अतिथि अंजलिना अली ने महिला अधिकार पर विचार रखे। परिचर्चा में डॉक्टर वर्षा सिन्हा, शारदा श्रीवास्तव समेत कई महिलाओं ने अपने अपने विचार के माध्यम से महिला अधिकार की बात कही। स्त्री रोग विशेषज्ञ वर्षा सिन्हा ने कहा कि आज राष्ट्र निर्माण में महिलाएं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। वहीं नीमा जैन ने महिला सम्मान की बात कही। परिचर्चा में कई महिलाएं मौजूद रहीं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। SRM Homes आपके लिए लेकर आया है टाउनशिप, बिल्कुल ही नए कॉन्सेप्ट पर। सान सिटी, जी हाँ, सान सिटी टाउनशिप जो स्थित है आपके भागलपुर अमरपुर रोड में कजरेली के पास, भागलपुर स्टेशन से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर और बाईपास से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर। सान सिटी जहाँ खरीद सकते हैं आप अपनी पसंद का प्लॉट, वो भी मात्र 3 लाख रुपए प्रति कट्ठा, जहाँ मिलेगा आपको मेन रोड 20 फीट और ब्रांच रोड 15 फीट का। सान सिटी टाउनशिप जिसमें प्रवेश के लिए होगा मेन गेट और टाउनशिप का एरिया बाउंड्री से घिरा रहेगा। प्लॉट बुक कीजिए और पोजीशन पाइए। प्लॉट बुक करने के लिए संपर्क करें SRM Homes प्राइवेट लिमिटेड, 3rd फ्लोर चंद्र ब्लॉक कॉम्प्लेक्स, घंटाघर, भागलपुर। JTC Mall, a complete family shopping destination. Now everyone can buy footwear, kidswear की आकर्षक रेंज के साथ cosmetics की बहार। कहीं बाहर जाने की अब जरूरत कहाँ, जब JTC Mall है यहाँ। महिलाओं की पसंद, साड़ियाँ और सूट की अनेकों वैरायटियाँ। मेंस वियर की बात ही क्या, ब्रांड्स जो आपने सुना होगा मिलेगा यहाँ। सुपर ड्राई, जारा मैन, लिवाइज, रेंगलर, जैक एंड जॉन्स, US पोलो, यूगो बॉस, गुच्ची, अरमानी, CK, एक से बढ़कर एक क्वालिटी में। नाउ everyone कैन buy, पर कहाँ, तो चले आइए यहाँ JTC मॉल, KNC मार्केट, सूरज नगर की द्वार अपोजिट बुद्धा एकेडमी। JTC मॉल आपको देता है महानगरों की सुविधाएं, कम कीमत में आकर्षक और ब्रांडेड कपड़े आपके जरूरत की हर सामान के साथ। शिक्षा के मार्फत समाज में बदलाव लाने की सोच रखने वाले वरिष्ठ शिक्षाविद एवं MET पूर्णिया के डायरेक्टर ए इमाम द्वारा स्थापित मीलिया एजुकेशन ट्रस्ट रामबाग पूर्णिया ने कई शैक्षणिक संस्थाओं का निर्माण कर शिक्षा के क्षेत्र में कई नए आदर्श स्थापित किए हैं। इसी शैक्षणिक परंपरा को आगे बढ़ाते हुए भागलपुर में मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल की स्थापना की गई है। सेक्रेटरी इंजीनियर राशिद इकबाल के मार्गदर्शन पर चलने वाला यह स्कूल एक को एजुकेशनल CBSE इंग्लिश स्कूल है। यहाँ प्ले ग्रुप से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई की व्यवस्था है। हमारी सुविधाएं, हाईली क्वालिफाइड एवं एक्सपीरियंस टीचर्स की टीम, डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, बस फैसिलिटी, RO वाटर्स, सुरक्षा के लिए पूरे स्कूल में CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, स्पोर्ट्स एवं गेम्स की सुविधा, उर्दू एवं संस्कृत विषय की पढ़ाई की विशेष सुविधा भी यहां उपलब्ध है। समय समय पर क्विज कंपटीशन एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन यहां किया जाता है। हमारी विशेष स्कॉलरशिप योजनाएं,
एक पिता के दो बच्चों के एडमिशन के बाद तीसरे बच्चे के एडमिशन पर पूरी ट्यूशन फी माफ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बेटियों के नामांकन पर 50% तक की छूट। बीपीएल कार्ड धारी गरीब परिवार के बच्चों के लिए विशेष छूट। दो गर्ल चाइल्ड के एडमिशन पर दोनों के ट्यूशन फी में 25% की छूट। नए सत्र के लिए नामांकन जारी है। हमारा पता है मीलिया कॉन्वेंट इंग्लिश स्कूल, जगलाल हाई स्कूल के सामने, रकाबगंज, भागलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में मारवाड़ी कॉलेज बीसीए के छात्रों ने पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष करण शर्मा के नेतृत्व में जमकर हंगामा किया और धरना पर बैठ गए। दर्जनों की संख्या में विश्वविद्यालय पहुंचे बीसीए छात्र 2017-20 के सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। पहले छात्रों ने परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह से मुलाकात की और रिजल्ट प्रकाशन की बात कही। इसके बाद छात्र उग्र हो गए और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। हंगामा बढ़ता देख विश्वविद्यालय प्रशासन बैकफुट पर आ गया और एक घंटे के भीतर बीसीए सेमेस्टर 2 का रिजल्ट जारी कर दिया। हम लोग धरना पर अचानक नहीं बैठे हैं, पूर्व में भी जो है महीनों से जो है छात्र छात्राओं द्वारा बहुत ही शांति रूप से माननीय परीक्षा नियंत्रक को ज्ञापन दिया जा रहा था, पर माननीय परीक्षा नियंत्रक अपनी कुर्सी में चूर है। उन्हें छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ कोई मतलब नहीं है। और मैं ये बताना चाहूंगा कि व्यावसायिक पाठ्यक्रम के जो छात्र होते हैं उनका छात्र वो डेली क्लास करने आते हैं और सारे उनका अटेंडेंस सारा नियमित होता है। जब उनका अटेंडेंस नियमित होता है, उनका फीस नियमित होता है, तो फिर उनका रिजल्ट और परीक्षा नियमित क्यों नहीं होता है? ये विश्वविद्यालय प्रशासन की क्रूरता का सबूत है। इसका छात्र छात्राएं विरोध करते हैं और हम जल्द से जल्द परीक्षा तिथि की और रिजल्ट की दोनों की मांग करते हैं। TMBU के शिक्षकेतर कर्मचारियों ने प्रभारी कुलपति प्रोफेसर लीला चंद्र साहा को आवेदन देकर अग्रिम भुगतान की मांग की है। वहीं सीनेट सदस्य सह चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी संघ के सचिव बलराम सिंह ने सातवें वेतन निर्धारण के पूर्व पांचवें एवं छठे वेतन निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने की मांग की। उस समस्या के लिए तो मैं बार बार अनुरोध प्रशासन से किए हैं, चर्चा भी हुआ। पंचम वेतन या छठम वेतन का अभी संशोधन नहीं किया गया है और सप्तम वेतन का नोटिस राष्ट्र सरकार के द्वारा जारी होने जा रहा है और विश्वविद्यालय प्रशासन को बार बार हम लेटर दे चुके हैं। 1/3/19 को भी हम दिए हैं लेटर, अनुरोध किए हैं उनसे जो छठम या पंचम वेतन को विसंगति को दूर करते हुए सप्तम वेतन लागू किया जाए, लेकिन इस पर अभी तक प्रशासन गहरी नींद में सोई हुई है, अभी तक कुछ हो नहीं रहा। आगे क्या कीजिएगा? आगे अगर नहीं होगा तो संघर्ष का रूपरेखा तैयार होगा। बांका ढाका मोड़ मुख्य मार्ग स्थित शंकरपुर के समीप सड़क हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जोगडीहा निवासी जगन्नाथ के रूप में हुई है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि बुधवार की रात मृतक युवक मोटरसाइकिल से अपने घर जा रहा था, इसी दौरान बालू लदे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इस घटना में जगन्नाथ गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां गुरुवार को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना से आक्रोशित लोगों ने बांका ढाका मोड़ मुख्य मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझा बुझा कर शांत कराया। नाथनगर रामपुर खुर्द पंचायत के मेहमतपुर गांव में महारुद्र यज्ञ को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा का नेतृत्व यज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव और जिला परिषद उपाध्यक्ष आरती देवी ने किया। कलश शोभा यात्रा में घोड़े एवं डीजे के साथ सैकड़ों की संख्या में शामिल श्रद्धालु अमरी बिशनपुर गंगा नदी से जल भरकर विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचे। महारुद्र यज्ञ समिति के अध्यक्ष प्रदीप यादव ने बताया कि यज्ञ 8 मार्च से 18 मार्च तक चलेगा, जिसमें प्रवचन नाटक मंचन के अलावा भव्य मेले का भी आयोजन किया जा रहा है। सुल्तानगंज रघुचक अनहार में आयोजित राम कथा सह भागवत कथा के तीसरे दिन का विधिवत उद्घाटन श्रीधर सिंह, सरयुग पासवान, सुरेश मंडल और गोपाल कृष्ण चौधरी के द्वारा संतों का माल्यार्पण कर किया गया। कथा के तीसरे दिन चंडीगढ़ से आए राम कथा वाचक कुंदन जी महाराज ने श्रद्धालुओं से कहा कि राम कथा एक दर्पण की तरह है, जो मानव जाति में धर्म के प्रति आस्था और विश्वास जगाने का कार्य करते हुए जीवन में क्रांति लाती है। वहीं वृंदावन से आए भागवत कथा वाचक बाल आनंद शास्त्री गुरुजी ने भागवत कथा के तीसरे दिन सती अनुसुईया का चरित्र, ध्रुव चरित्र, महाराज भरत का पावन चरित्र श्रद्धालुओं को विस्तार पूर्वक सुनाया।
इस दौरान ग्रामीणों द्वारा निकाली गई शिव विवाह पर आकर्षक झांकी लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र रही। मौके पर समिति के अध्यक्ष सुरेश सिंह, राम बहादुर सिंह, नंदन सिंह सहित काफी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। नगस्या परबत्ता पंचायत परिसर में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्घाटन पंचायत मुखिया संजू देवी, पूर्व प्रमुख गुरुचरण मंडल, प्रमुख विद्यापति चौधरी और अजय पासवान ने संयुक्त रूप से किया। भागवत कथा में कथावाचक संत श्री हृदयनाथ महाराज ने कहा कि भागवत कथा के श्रवण से अज्ञान का अंधेरा दूर होता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस अवसर पर पूर्व मुखिया चक्रधर मंडल, चंदन कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं SRM होम्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका अपना आसियाना। सूबे के मुखिया नीतीश कुमार पहुंचे शहीद के गांव, पुष्प अर्पित कर किया नमन। शहीद रतन के पिता ने डिग्री कॉलेज स्थापित करने की रखी मांग। भागलपुर के जीरो माइल में तसर रेशम मेला का हुआ आयोजन। नगर आयुक्त ने कहा स्मार्ट सिटी फंड से जल्द बनेगा सिल्क हाट। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति हुई तेज। भागलपुर में राजद ने किया जिला स्तरीय अल्पसंख्यक सम्मेलन का आयोजन। भागलपुर में चैंबर चुनाव को लेकर गरमाई राजनीति। दो गुटों में बटे व्यवसायी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। और नगरशा बरौनी रेलखंड पर RPF ने हथियार के साथ एक अपराधी को किया गिरफ्तार। अब आप सिल्क टीवी की खबरों को मोजो टाइम्स ऐप पर भी देख सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।